ये आज तक नहीं रुका है ना। जैसे 90 परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी कहीं से भी ना हो, ऐसी आजाद का नाम है कि हिंदू हो तो हुसैन का भी दादा है, बेशक बेशक चीनी हो तो हुसैन का भी दादा है, भारतीय हो तो हुसैन का भी दादा है, समझ रहे, किसी मुल्क का हो, चैनी हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सब हुसैन ही है। खुदा की खुदाई में मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई में हुसैन ऐसा दुलाना है कि मंजर लखनवी ने इसीलिए कहा तेरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आज सोचने लगते हैं
इतना कमजोर हो गया और छोटे की सब बना दी, सारी रस्मतें छोटे की बता दी। वो बेचारा ऐसा से कम करी को सोचता है कि ये तो छोटे की अजमत हो गई, सारे किसी अपनी अजमत के कारण रही है। हम क्यों लगी अपनी छोटी बनाई उसके सामने जब भी कोई लकीर बनाई जाए तो वो छोटी ही नजर आए। तब चुकी जगह तो मैंने कहा दीदा के ग्रामीण कि किसी एक शख्सियत की बात नहीं है। हुसैन किसे कहते हैं, मैं एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जितनी देर भी गुफ्तगू करूंगा। अदीरा मैंने कहा जैसे लब्बाए खुदा के नाम पर है वैसे ही लब्बाए हुसैन। कोई दबा नहीं सकता। अगर एक आदमी भी हज करेगा तो अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 करेगा। हुसैन भी एक होगा यही होगा, लाख पाबंदी लगे मगर लब्बैक किया उसने। बेशक बेशक। ये शख्सियतें ऐसी हैं कि लोगों को ये समझ में आता है इन्हें खुदा के बराबर दर्जा दे दिया गया। हम नहीं कहते, आप भी अजान में कहते हैं अशरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम खाली थोड़ा सा सोचने का अंदाज बदल लेते हैं कि अगर फजीलतों में खुदा के बाद उसकी खुदाई में दूसरा दर्जा मोहम्मद मोहम्मद अरबी का है तो मुसलमानों किसी तरह से इस हदीस के आईने में तीसरा नंबर मई हुसैन का है। माना मेरा हुसैन का मतलब ये है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो मैं यूं कह दूं, हर मुसलमान से पूछो कि सारी अजमतों की कसम खा के बताओ मोहम्मद अरबी किस असमतों के हिमालयी नाम का नाम है, तो वो बताएगा कि वजह खिलकते अरसो समा क्या कहना साते मोहम्मद है। चाहे किसी दर्जे का हो, देवबंदी भाई हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, बस कोई भी हो, सबके सब ये आवाज देंगे कि लौला का लमा खलकतुल अखलाक, अल्लाह की ये वो महबूब जात है कि अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मोहम्मद तुम न होते तो कुछ न होता। अगर मोहम्मद तुम न होते तो कुछ न होता है ना। किसी मस्जिद से किसी इमाम की किसी मैंने कहा